अस्सलाम वालेकुम साथियों, उम्मीद है तुम सब ठीक होंद खैर खैरियत से होंद। अल्लाह पाक तुम सभी के शाद आबाद रखे। मैं टाइम मौजूद आया चाइना के शहर चिनहानदाओ में। इतने मैं मास्टर्स स्टडी ला आयल आया। इतने मैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप से आयल आया। चाइनीज गवर्नमेंट की CSC स्कॉलरशिप है। सो इत अचण का शे महसूस कई, इन शे रियलाइज किया मुख्य पांजे बेन सिंधी भाईरन हमवतन साथिन के भी तरफ मुतवजा करण खपे। उन्हें भी स्कॉलरशिप के बारे में बुधायण खपे भी मास्टर्स स्टडी। दोस्तों इन वीडियो में मां तुम्हें स्कॉलरशिप जो फायदा बुधाइंदुम सहूलतूँ भी तुम्हें थोड़ा बुधाइंदुम कुछ देखारिंदुम भी तुम थोड़ा इंस्पायर थो थोड़ा मोटिवेट थो। उनके अलावा मां तुम्हें बुधाइंदुम मेन वो फायदो तो इतने अचण का चाइनीज गवर्नमेंट की तरफा तुम्हें केतो स्टाइपेंड मिल जैके असा सिंधी में वजीफो चई सकूं था, जैके साथ पगार भी चई सको था। तो तुम्हें इतने महाना पगार केतरी मिली या स्टाइपिन केतो मिल हदीस मुबारक है तो इल्म हासिल कियो पिंघे का वही कबर तई। इल्म हासिल कियो उन लाइ तुम्हें छो न चीन वनो पे कर ही इल्म तुम्हें ग्रूम कंदो तुम्हें निखारी तुम्हारी पर्सनल डेवलपमेंट थी। उनके अलावा बो तो मास्टर्स या PhD डिग्री कें बाहरी यूनिवर्सिटी में इतने हाईली रैंक्ड यूनिवर्सिटीज आन चाइना में उतना खान तुम्हें PhD या मास्टर्स डिग्री मिली। पे फायद यो है तो इल्म जो इल्म तुम्हें निखारी तुम्हें संवारी तुम्हें चवन इल्म रोशनी बख्शी। सो पे फायद है इल्म। दोस्तों बो फायद तालीम तो यकीनन ज़रूरी है हर इंसान लाए, लेकिन ज़िंदगी गुजारण लाए इंसान के पैसे की ज़रूरत पड़ी है। हर इंसान चाहिए है, हर शख्स चाहिए है तो खुद मुख्तार हो जाए, फैमिली के सपोर्ट करे, एक सुठी ज़िंदगी बसर करे। सो इन स्कॉलरशिप में तुम्हें एक सुठो अमाउंट मिलता है तो तुम फैमिली के सपोर्ट कर सको था, खुद मुख्तार थी सको था। वो मां तुम्हें अमाउंट एंड में बुधाइंदुम। सो साथियों तुम्हें कुछ फैसिलिटीज देखारिंदुम तो इन स्कॉलरशिप में इंटरनेशनल स्टूडेंट के सुभाने जा तुम भी थी सको था। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है तो उन्होंने कड़ी कड़ी इतने सहूलतूँ मिली। तो ही वीडियो में दिखाने जो मकसद है तो तुम उनमें थोड़ा इंस्पायर थो थोड़ा मोटिवेट थो। असा उस्ताद असा बुधाई कर मोटिवेट इंस्पायर कंदा हुआ। शे है सिक्योरिटी, असा सेफ आयो, फेस लॉक के थ्रू स्कैन थो, गेट ओपन थो, ब्लॉक इतने सब अस इंटरनेशनल स्टूडेंट इन ब्लॉक में रहना है। ही पानी भरण के लिए सेंसर बेस इत लाइटू आन सेंसर बेस साउंड की आवाज दोस्तों ही है असो रूम ही बेड ही स्टडी टेबल ही पानी की सहूलत भी है वाटर कूलर। उनके अलावा ही मुझे भी रूममेट है बलोचिस्तान का PhD स्टूडेंट है फाइनल ईयर है उनको ही उनको बेड ही उनकी स्टडी टेबल ही जो तुम सामू दिसो पे ये रूम हीटर है। ही रूम जो टेम्परेचर मेंटेन रखो इतने सर्दी तमाम जाम थी -15 to 20 डिग्री माइनस में टेम्परेचर वो इतने टाइम में 8-9 टेम्परेचर हल पो। अच्छा ही तुम मथे कपड़े सुखाण के लिए ऐसा हों तो ही हेट लही कपड़ा वगैरह से इतने भी सुखा सकूँ था। ही AC ही TV ही फ्रिज उनके अलावा ही अलमारी सामू दिसा हों ही वाईफाई भी लगल सो ही सब फैसिलिटीज हैं एक स्टूडेंट के दींदा ही वॉशरूम इनमें गीजर वगैरह हर सिस्टम है हेयर ड्रायर वगैरह भी लगल है। ही फ्रिज असा सामान स्टोर कर रखी छा अच्छा ही तुम बाहर जो नजार रखा तो ही खिड़की लगल है
ही सिज की रोशनी वी सोता बाहर जो नज़ारो कर हवा वी सोता हाँ हेडोमेट्री सब फैसिलिटीज हैं रूम जो चलो हलूँ था बहर हि किचन है इतना शुरुआत तक क्यों हि वॉशिंग एरिया हि मथे बॉक्स सामान ला हि सामान बर्तन है पचाण वगैरह ला हि मशीन से अस कपड़ा वगैरह धोण के लिए सहूलत है बस इन में कपड़ा सर्फ विझी छो ऑटोमेटिक आने में हि सुखा भी छींदी 80-90% सामू माइक्रो ओवन पचाण ला अच्छा हि चूल्हा जो ये इलेक्ट्रिसिटी जन ठीक हि एग्जॉस्ट फैन वगैरह इतने हि ऑन थी वा इतना हि कुकिंग एरिया हि माइक्रोवन हि बर्तन वगैरह धोण के लिए अच्छा हि जो है हि हॉट वाटर मशीन है 100 डिग्री गरम ग्रीन टी वगैरह ला या हूँ भी अस पानी गरम पानी कम अची वो सो हि सब सहूलतूँ आन किचन जो हर विंग में टे किचन मौजूद है हर रूम ला चार रूम ला एक किचन है मतलब 8 जना एक किचन यो पूरो सारो वो यूज कर सकता दोस्तों ही इमरजेंसी ला पूरी विंग में एक वॉशरूम भी है अच्छा ही अचूँ तो ही असो कपड़ा वगैरह सुकण के लिए थी इतने अस सुकाय सकूँ था मशीन का ही हर एक्टिविटी रूम है जिम हि सब फैसिलिटीज तिठ्यूँ तो हि स्टूडेंट कहीं रखो वो उन्हें अलावा भी काफ़ी सारी फैसिलिटीज आज स्पोर्ट्स जो फैसिलिटीज आज तान के गेम्स में इंगेज रखी सोता काफ़ी फेस्टिवल्स टूअर थन्दा चाइना घुमी सोता हाँ मैं बी पॉइंट इंदुम तो इन सहूलत इन फैसिलिटीज का अलावा असें अमाउंट केतो दिनों वो सो चाइनीज़ गवर्नमेंट तक मास्टर्स स्टूडेंट के 3,000 युआन चाइनीज़ 3,000 वहाँ दींदी है PhD स्टूडेंट लाइ 3500 साढ़ा 3,000 युआन दींदी है ठीक है RMB जैके अस ची सूँ था सो इन 3,000 में सिर्फ तक खाधे पीते जो खर्च करो अगर तक घूमो फिरणो है कि विजिट करो तो वो खर्च करो तहो मैक्सिमम जो अमाउंट है इतने खाधे पीते के हवा से खर्च थी वो 1,000 काफ़ी है वो इन का घट भी थी सके तो इन का वधिक भी थी सके तो वो तहांजी लाइफ के मथा डिपेंड करे तो पर मैक्सिमम मां जो बुधा तो मैक्सिमम वो 1,000 अगर तुम घुम फिर भी 3-4 महीने हणो तो चाइना घुमो तब एवरेज जो भला 1500 अड़ी छो बाकी 1500 युआन RMB बचंदा 1500 बचाई सोता तो मुझे हिसाब से यो काफ़ी है 2,000 के तुम पा कन्वर्ट कर चेक कर सोता तो पाकिस्तानी घना थन्दा उपनी फैमिली के मोकले फैमिली के सपोर्ट कर सोता दोस्तों चाइनीज़ गवर्नमेंट तक 3,000 मंथली स्टाइपेंड दींदी है उनसा गडोगर चाइनीज़ गवर्नमेंट तुम्हारी एजुकेशन फीस भी पे कंदी है तुम स्कॉलरशिप से आयो अगर सेल्फ से होंद तोड़ा एस्टिमेट बुधा तो अंदाजो तो इतने 20 लख रुपया इन हॉस्टल की गडोगर अकेडमी की फीस है 5 लख रुपया हॉस्टल की साल की फीस है जी हॉस्टल दिठी उन्हें अलावा अकेडमी की 15 लख रुपया साल की फीस है तो सोचो तुम्हारी यहाँ सारी फीस चाइनीज़ गवर्नमेंट पे कंदी अगर जो तुम यह स्कॉलरशिप विन कौ तो उनसा गडोगर तक हर महीने 3,000 भी मिल तो कोशिश कियो इन तरफ अचो स्टडी की तरफ अचो रिसर्च की तरफ अचो ए फ्यूचर के ब्राइड कियो नस्लन के फ्यूचर के भी ब्राइड कियो सो दुआउन में याद साथ सलामत